अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिचड़ी वाली मारिया। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा चेरी टमाटो का प्लांट और इंतहाई खूबसूरत से छोटे छोटे से जो टमाटो हैं इसके ऊपर लग चुके हैं और फ्लावरिंग जो है इसके ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसकी केयर के बारे में आपके साथ चंद टिप्स जो है वो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, धूप निकलना शुरू हो चुकी है, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं ये जो हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं काफ़ी उनकी जो हालत है वो बुरी हुई हुई थी और अब अल्लाह का शुक्र है कि धूप जो है वो निकलना शुरू हो चुकी है और कुछ रौनक जो है वो लौट आई है इन प्लांट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ये करना है कि इसकी आपने जब ये देख सकते हैं कि ये फ्लावरिंग इसके ऊपर स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये जो शक्कर हैं इसके साथ ये प्रॉब्लम करते हैं, ये इसका जो है रस है वो प्लांट्स का चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपने कटर लेना है, कटर को लेके सैनिटाइज़र के साथ उसको आपने कर लेना है, साफ़ कर लेना है और उसके बाद जो है आप इनको कटिंग करेंगे। जितने भी शक्कर जो है ये आप प्लांट की जो ग्रोथ है इनमें काफ़ी जो है वो बुरा असर डालते हैं, तो आपने इन जितने भी शक्कर हैं इनको आपने काट लेना है और उसके बाद जो है आपने इसकी गुडाई करनी है। गुडाई जो है जब से सर्दियां स्टार्ट हुई तो हमने प्लांट्स की जो हमने इनकी गुडाई नहीं की थी और अब हम जो है इनकी गुड़ाई भी करेंगे क्योंकि मौसम जो है, तो ये सकस जो है ये आपने काट लेने हैं और एक आपने इनकी गुड़ाई करनी है। तो इस तरह से जो आपकी प्लांट की जो हेल्थ है वो सही रहती है, फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, साइज़ जो है फ्रूट का वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखिए कितना बड़ा शक्कर था जो कि मैंने इसके ऊपर से मैंने काट लिया है। फ्रूटिंग जो है फ्रेंड्स इनके ऊपर जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत ही ये डेलिकेट से ये प्लांट्स होते हैं ये टमाटो के, आप ये देख सकते हैं। और इसके साथ जो है इस तरह से आपको स्टिक जो है इनके साथ लगानी पड़ेगी और अगर आपका प्लांट छोटा हो तो आप जब फर्स्ट टाइम वो फ्लावरिंग पे आए तो आप जो उसके फ्लावर हैं वो उनको काट दें। तो अभी जो है ये आप देख सकते हैं कि ये प्लांट जो है इसके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और तो फ्रेंड्स, आपने करना ये है कि अगर फर्स्ट टाइम आपका जब प्लांट जो है अभी साइज़ उसका छोटा है तो वो फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है, तो आपने ऊपर से इस तरह से इनके जो फ्लावर्स हैं उनको आपने कट कर ले रहे हैं और ताकि आपके प्लांट की जो है वो हेल्थ अच्छी रहे। जितना आपका है हेल्दी प्लांट होगा उतना ही जो है इसके ऊपर फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। और ये छोटे छोटे से ये सकर्स हैं ये हाथ की मदद से ही हम लोग उतार लेंगे और इधर भी हैं कुछ, आप ये देख सकते हैं, इनको भी हम ये जो सकर्स हैं इनको हटा देंगे। और कुछ कोरा पड़ने की वजह से फ्रेंड्स इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो इसके लीफ हैं वो भी पेल हो गए हुए हैं, येलो हो गए हुए हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और प्लांट्स जो हैं काफ़ी जो है वो स्ट्रेस में रहे हैं। कुछ ये जड़ी बूटियाँ सी हैं इनको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हाथों की मदद से ही कर देंगे और छोटा है इस वजह से ये इन चीज़ों को भी यहाँ से हम हटा देंगे और ये भी इधर से भी। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगर आपका प्लांट जो है ये बहुत ही डेलिकेट से प्लांट होते हैं, इनके साथ आप स्टिक जो है वो लगानी पड़ती है आपको इनको ये इस तरह से स्टैंड रखने के लिए। अगर आप स्टिक नहीं लगाएंगे तो आपका प्लांट जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से हम इनका जो फ्रूट है वो उतार देंगे अभी फ़िलहाल। और ये कुछ फ्लावर्स निकले हुए हैं ये भी मैंने उतार दिए यहाँ से ताकि जो फ्रूटिंग है वो ज़्यादा हो और अच्छी फ्रूटिंग हो और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो। इस वजह से यहाँ से ये मैंने इस तरह से इनको प्रून जो है वो कर लिया है। और फर्टिलाइज़र की फ्रेंड्स अगर बात करें तो जो फर्टिलाइज़र है ये आप इसके अंदर पॉट के अंदर आपको नज़र आ रही होगी कि ये मैंने इसके अंदर कंपोस्ट जो है वो ही मिक्स की हुई है, अभी तक मैंने इनको फर्टिलाइज़र जो है वो नहीं दी। अलबत्ता इनका जो साइज़ है फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए जो है
क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है इस पे मैं अलग से वीडियो जो है वो बनाऊंगी और बताऊंगी कि कौन सा स्प्रे जो है आपने इसके ऊपर करना है, जिससे जो है ये आपके फ्रूट का साइज़ जो है तो ये चेरी टमाटो लेकिन फिर भी इनका साइज़ चेरी जितना तो होना चाहिए। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगी। और आप कंपोस्ट ही मैंने डाली है इनके अंदर, कंपोस्ट ऑर्गेनिक तरीके से इनको मैं ग्रो कर रही हूँ और रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर ये छोटा सा एक टमाटो भी लग चुका है। और जो है इसके अलावा वाटरिंग का अगर आप देखें तो वाटरिंग आपने अभी तक ये देख सकते हैं कि इसकी जो इस पॉट की जो मिट्टी है वो आपको उसमें मॉइस्चर जो है वो नज़र आ रही है। तो जब आप देखें कि आपका जो ये पॉट के अंदर जो इसका जो सरफेस एरिया है वो ड्राई होना शुरू हो गया, तब इस उस मौके पे आपने इस प्लांट को जो है वो पानी जो है देना है। और गुडाई जो है अभी आज हम नहीं करेंगे, गुडाई करेंगे अभी तकरीबन एक वीक बाद इनकी गुडाई करेंगे ताकि मज़ीद जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सेट हो जाए। अभी भी सर्दी की है, काफ़ी शिद्दत है सर्दी की भी, तो अभी जो है मैं इस वजह से अभी इनकी गुडाई जो है वो नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स ये थी चंद टिप्स जो आपके साथ मैंने आज शेयर की हैं कि किस तरीके से आपने अपने प्लांट की जो है वो केयर करनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह साइज इंक्रीज़ करने के लिए फ्रूट का वो अलग से मैं वीडियो जो है वो बनाऊंगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिएगा फ्रेंड इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।